ईश्वर सिंह चौहान, गांव मांडव, जिला डूंगरपुर, राजस्थान। यहाँ पर इस हॉस्पिटल का तो मुझे ज्ञान नहीं था, लेकिन मेरा बेटा जो है अजयपाल सिंह चौहान कर्णावटी हॉस्पिटल में आईसीयू का इंचार्ज है, और मुझे दर्द होता था लेकिन किसी कारण से यहाँ जल्दी नहीं आ पहुँचा। हमारे वहाँ सागवाड़ा डूंगरपुर में ट्रीटमेंट कराया और बीमारी का कोई पता नहीं चला। मेरे सीने में लेफ्ट साइड के अंदर दर्द करता था, तो मैं ये सोचता था कि शायद हो सकता है ये हार्ट अटैक के बारे में कुछ हो सकता है, लेकिन हमारे वहाँ के डॉक्टर ने बताया कि हार्ट अटैक आपको नहीं है। तो फिर मैंने मेरे बेटे अजयपाल को कहा कि यहाँ के डॉक्टरों की ये रिपोर्ट है कि हार्ट नहीं है, मुझे तकलीफ क्यों होती है। फिर उसने मुझे यहाँ बुलाया, कर्णावटी में आए। कर्णावटी में ये दो जगह नौकरी करता है, राजेश हैदराबादी के पास में और कर्णावटी के पास, कर्णावटी दोनों जगह पर। तो उन दोनों डॉक्टरों से मेरा संपर्क करवाया, एक्सरा राजेश हैदराबादी को एक्सरा बताया, तो उन्होंने उस एक्सरे से संतुष्ट नहीं होने के बाद में सीटी स्कैन कराया, सीने का कराया, पेट का कराया, यहाँ तक कि इससे भी उनको पता नहीं चला तो उन्होंने फिर मेरा सारी बॉडी चेकअप करवाई। तो इस हर कार्यक्रम में मेरा बेटा अजयपाल सिंह मेरे साथ था। फिर ये सारी रिपोर्ट देखने के बाद में वेनिल शाह जो कर्णावटी के अंदर डॉक्टर है, वो और राजेश हैदराबादी दोनों ने मिलकर के गौरांग मोदी के बारे में जानकारी दी। तो उन दोनों डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे सही डॉक्टर के पास भेजा। और यहाँ आने पे मुझे पता चला कि मेरे को कैंसर नाम की बीमारी है, मुझे इसके पहले इस बीमारी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। फिर यहाँ पर डॉक्टर गौरांग मोदी ने मेरी बायोप्सी भी की, इसकी जांच कराई, उसमें भी यही चीज़ आई कि भाई इनको ये कैंसर की बीमारी है। उस समय मेरी उम्र 73 इयर्स की थी और मैं बिल्कुल स्वस्थ था। उन्होंने मेरे स्वास्थ्य को देख करके, मेरी हेल्थ को देख करके सारी जानकारी लेने के बाद में उन्होंने ये बताया कि भाई हमारा 4 इंजेक्शन का डोज है, लेकिन आपका आपकी हेल्थ इतनी मजबूत है इसलिए आपको एक एक्स्ट्रा इंजेक्शन लगाऊंगा, मैं 5 लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है सर, 5 लगाइए, जो आप कहते हैं वह मैं मंजूर है। 6 महीने तक उन्होंने मेरे 5 इंजेक्शन लगाए, फिर धीरे धीरे इन्होंने 4 इंजेक्शन कर दिए। 10 महीने तक ये इनका कोर्स चलता रहा, हालांकि मुझे तकलीफ भी बहुत रही इस दौरान, और इस तकलीफ के दौरान मैं ये समझ रहा था कि शायद मैं खड़ा नहीं हूँ। लेकिन 10 महीने के बाद में गौरांग मोदी ने मेरी दवाइयाँ फिर कम कर दी, उनको ये एहसास हुआ कि ये बीमारी इनकी धीरे धीरे कम हो रही है, तो उस हिसाब से उन्होंने दवाइयों का जो डोज था वो कम कर दिया। दवाइयों के डोज से मेरे में थोड़ी थोड़ी एनर्जी आने लगी, खाने पीने लग गया मैं, और धीरे धीरे मैं क्रमशः आगे बढ़ता गया। कमजोरी इतनी हो चुकी थी और मैं खुद भी ये मानता था कि शायद ही खड़ा होगा, लेकिन गौरांग मोदी मेरे लिए एक भगवान है जिन्होंने मुझे आज खड़ा किया। इसके बाद धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य सुधरता गया। 2017 में मैं बीमार हुआ था और इसी के साथ में मैं राजेश हैदराबादी और वेनिल भाई शाह का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन दोनों ने सही डॉक्टर बताया। अगर सही डॉक्टर नहीं मिलता तो हो सकता था आज दुनिया में नहीं रहते, और अब मैं बिल्कुल ही स्वस्थ हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। वैसे फॉलोअप के लिए मैं आता रहता हूँ, डॉक्टर साहब मुझे गौरांग मोदी सही मार्गदर्शन देते हैं, और मैं तो ये मानता हूँ कि उन्होंने मुझे पुनर्जन्म दिया है। यहाँ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, पेशेंट आता है, दूसरे भी पेशेंट आते हैं मेरे साथ में, मैं देखता हूँ स्टाफ अच्छी तरह से कोऑपरेट करता है और अच्छी तरह से मार्गदर्शन भी देता है कि भाई आपको पेशेंट को कैसे दवाइयाँ लेनी, किस तरह से खाना पीना, ये सारी चीज़ें। यहाँ के स्टाफ की भी तारीफ करते हैं हम कि यहाँ के स्टाफ में किसी प्रकार की कोई ऐसी कमी नहीं है, हर पेशेंट के साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण में सहानुभूतिपूर्वक चर्चा बात करते हुए। गौरांग मोदी साहब से मुझे जो लाभ हुआ, इसके बाद मेरे संपर्क में हमारे राजस्थान में जो जो भी लोग आए
उनको मैंने गौरव मोदी साहब का एड्रेस दिया और वो लोग भी यहाँ आकर के ट्रीटमेंट कराते हैं और उनको भी राहत मिल रही है, स्वस्थ हो रहे हैं। नहीं तो इनकी जगह अगर कोई दूसरा डॉक्टर होता, शेक वगैरह कराते, इस तरह से कहीं ज़्यादा बढ़ जाता मामला। लेकिन उन्होंने सिर्फ इंजेक्शन और टैबलेट से मुझे अच्छा किया, किसी प्रकार का कोई अन्य काम नहीं किया। ये सबसे बड़ी विशेषता मानता हूँ मैं। नहीं तो आजकल प्राय देखा जाता है कि कैंसर का बीमार हुआ इसलिए उसको शेक करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, इस तरह की कोई अन्य चीज़ मेरे साथ उन्होंने नहीं की।